बारे में पढ़ा था, आज हम ईद का सविस्तार वर्णन पढ़ेंगे कि ईद जो है वो कैसे मनाई जाती है, क्या क्या तैयारियां की जाती हैं वो सब, और कब मनाई जाती है, इसकी खास बात क्या होती है, वो सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कल भी पढ़ा था, ईद जो है वो एक त्योहार का नाम है और ये मुस्लिम धर्म का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, मुस्लिम धर्म का प्रमुख त्योहार है, जैसे हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार दीपावली है, ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार क्रिसमस है, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म का जो प्रमुख त्योहार है वो ईद है। हमारे देश में अनेक धर्म व जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं और सभी त्योहारों को भी मिलजुल कर मनाते हैं। ये त्योहार जो है वो बहुआयामी संस्कृति का प्रतीक भी है। सभी लोग आपसी भेदभाव भूलकर और गले मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। इसका पूरा नाम ईद को ईद उल फितर के नाम से भी जाना जाता है। मेरे साथ उच्चारण करेंगे, इसको ईद उल फितर के नाम से भी जाना जाता है। ईद जो है वो रमजान के पवित्र महीने में मनाया जाता है। ठीक है, जैसे हम होली या दीपावली की बात करें तो दीपावली जो है वो कार्तिक मास में मनाया जाता है, उसी प्रकार मुस्लिम जो कैलेंडर है उसमें रमजान महीने में ईद का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। रमजान महीने के भी अंतिम दिन जो है वो जब रमजान महीने के अंतिम दिन जब आकाश में चांद दिखाई देता है तो उसके दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। तो रमजान महीने के अंतिम दिन जब चांद दिखाई देता है तो उसके दूसरे दिन क्या मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है। रमजान को पवित्र महीना माना जाता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में लोग नवरात्रि की पूजा करते हैं और उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, फास्ट, ठीक है, और भगवान की पूजा आराधना करते हैं। उसी प्रकार रमजान में मुस्लिम भाई जो हैं वो अल्लाह को याद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और वो पूर्ण उपवास रखते हैं। पूर्ण उपवास का अर्थ क्या होता है, पूर्ण यानी पूरा। ठीक है, हमारे यहाँ फल खाते हैं, कई लोग एक समय भोजन करते हैं जब नवरात्रि किए जाते हैं, लेकिन इसमें मुस्लिम भाई पूर्ण उपवास रखते हैं, यानी पानी पीना भी वर्जित होता है। वर्जित यानी मना होता है, पानी भी वह नहीं पीते। शाम को नमाज पढ़कर, नमाज अदा कर ही वो लोग भोजन करते हैं और ऐसा वो पूरे महीने करते हैं। और इससे उनका मानना है कि हमारे जो है हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो खत्म होती हैं और मानवीय गुण पैदा होते हैं। सभी लोग जो हैं उसका, सभी लोगों के मन का भाव जो है वो पवित्र होता है और बुराइयों को ये खत्म करता है। ऐसा करना जिनको रोजे करना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रोजे। ठीक है, जैसे बोलते हैं नवरात्रि का व्रत, उसी प्रकार रमजान के महीने में रोजे रखे जाते हैं। रमजान महीने के अंतिम दिन जब चांद दिखाई देता है तो उसके दूसरे दिन जो है वो ईद मनाई जाती है। इस त्योहार की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है, जैसे बाकी त्योहारों में भी होता है। सबसे पहले तो हम घरों की साफ सफाई करते हैं, घर के जितने भी सदस्य हैं या सगे संबंधी हैं वो जो घरों से किसी भी कारणवश पढ़ाई की वजह से या अपने जॉब की वजह से दूर दराज रहते हैं वो सब इकट्ठे होते हैं और घर को काफी अच्छे से सजाया जाता है और शॉपिंग की जाती है। लोग नए नए वस्त्र, नए जूते, चप्पल और उपहार गिफ्ट्स खरीदते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ईद की जो ईद त्योहार की जो तैयारी है वो काफी पहले से ही लोग शुरू कर देते हैं और खरीदारी करने में व्यस्त हो जाते हैं और ईद के अवसर पर इसी कारण बाजारों में भी काफी अच्छी रौनक जो है वो दिखाई देती है। ये त्योहार जो है वो आपसी भेदभाव भूलकर, बहुत अच्छी बात है, त्योहार सभी हमें ये संदेश देते हैं कि हम आपसी भेदभाव भूलकर कि कोई हिंदू है मुस्लिम है ये हमारे मन में नहीं हो, सभी लोग इसे मिलजुल कर मनाते हैं। या किसी से कोई भी झगड़ा हो गया हो, किसी से गुस्से में कुछ कहा गया हो, किसी ने कह दिया हो, उसको भूल कर और एक दूसरे से गले लगकर, ठीक है, उसको माफ कर दे या माफी मांग ले, ठीक है, गले लगकर ईद की बधाई देते हैं, तो ये आपसी भेदभाव भी
बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा हर त्योहारों के साथ जुड़ा होता है और इसी कारण हम त्योहार मनाते भी हैं ताकि जीवन की नीरसता और कटुता जो रिश्तों में आ गई है वो भी खत्म हो जाए। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं जैसा कि हर त्योहार में होता है, ठीक है, नई नई स्वीट जो डिशेस बनाई जाती है और मुख्य जो होता है जो प्रमुख जो मिठाई होती है वो की मीठी सेवइयां बनाई जाती है और आपने भी खाई होंगी, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मीठी सेवई जो होती है वो प्रमुख व्यंजन है। व्यंजन खाने के अलग अलग पदार्थों को भी बोला जाता है, व्यंजन कॉन्सोनेंट को भी बोला जाता है, जैसे क ख ग ये भी क्या है व्यंजन, लेकिन यहाँ पर क्या है व्यंजन क्या है खाने की अलग अलग चीजें। मीठी सेवई ईद की त्योहार का प्रमुख व्यंजन है। एक दूसरे के घर जाकर लोग मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं और उपहारों का आदान प्रदान भी होता है। ये जो है त्योहार इस अवसर पर मस्जिदों में जब लोग नमाज अदा करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले मस्जिदों को भी अच्छे से सजाया जाता है, जैसे होली दीपावली या दशहरे पर मंदिरों को सजाया जाता है, खूब रोशनी की जाती है। फिर ईद के दिन जो है लोग सुबह नए वस्त्र पहनकर और वहां पर ईदगाह, मस्जिद को ईदगाह भी बोलते हैं, ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं और एक साथ पंक्तिबद्ध होकर वो नमाज पढ़ते हैं और ये दृश्य बड़ा ही सुंदर होता है, ठीक है। एक साथ वो सिर झुकाते हैं और ऊपर करते हैं, भगवान का शुक्रिया करते हैं अल्लाह का, ठीक है, ताकि वो हमारे मन में कोई बुराई ना रखे और बुराइयों को खत्म करे और हमें अपना कर्म करने की शक्ति प्रदान करे। तो ये जो नमाज पढ़ने का जो दृश्य होता है वो बहुत ही सुंदर होता है और इस दिन सभी लोग, युवा है, बड़े हैं, बच्चे, सभी टोपी लगाकर नए वस्त्र के साथ एक विशेष प्रकार की टोपी पहनकर ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं और मस्जिदों को खूब अच्छे से सजाया जाता है। ये त्योहार बहुआयामी संस्कृति का प्रतीक है, सभी लोग इसे मिलजुल कर मनाते हैं। हमारे देश में अनेक जाति व धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, और फिर उसके बावजूद भी वो लड़ाई झगड़ा ना करके मिलजुल कर रहते हैं, जिसको अनेकता में एकता का संदेश भी हम कह सकते हैं। दया, परोपकार, उदारता व भाईचारा आदि मानवीय भावनाओं से युक्त है। कौन ईद का त्योहार जो है वो हमें ये सिखाता है कि हमें मनुष्य मात्र या प्राणी मात्र पर दया का भाव रखना चाहिए। अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो उदारता दिखाते हुए उसे माफ कर देना चाहिए, एक दूसरे की भलाई करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जातिवाद में विश्वास न करके सभी को मनुष्य समझकर आपसी मेलजोल बढ़ाकर और खुशी से जीवन यापन करके हमें ये जो सारे मानवीय मोरल वैल्यूज हैं ये भी हमें ये त्योहार सिखाता है। तो इस प्रकार ईद का त्योहार भी हमारे